अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो भाई जो मेरे कुछ व्लॉग्स रह गए थे क्रूज़ के, आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे तो थोड़ा गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह बस एक दो ही रह गए हैं तो वो मैं आपके साथ लाजमी सब शेयर कर दूँगी। तो आपने अगर पिछले क्रूज़ के व्लॉग्स वॉच नहीं किए तो ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो बहामास थी। तो आप चाहें तो ज़रूर वॉच कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एनीवेज़ यहाँ पे शाम का वक्त है, खाना हम लोग खा चुके हैं और बच्चों को यहाँ हम लोग ड्रॉप करने आए हैं डे केयर में। तो ऑन बोर्ड आपको डे केयर की फैसिलिटी भी मिलती है। 3 डिफरेंट हिस्से हैं, बहुत छोटे बच्चों का सेक्शन अलग है, टॉडलर का अलग है, और जो किरत की एज के बच्चे हैं उनका सेक्शन अलग है। मैं और फराज देखने जा रहे हैं मूवी, और बच्चे जो है ना वो मूवीज़ बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। तो दिन के किसी भी हिस्से में जब कोई हम लोगों की एक्टिविटी हो ना तो हम इनको 3 से 4 घंटा यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं और फिर हम इनको पिक कर लेते हैं। अच्छा, शुरू के एक दो दिन ना हम लोगों ने इनको यहाँ नहीं छोड़ा, हमने वही सोचा कि पता नहीं कैसा हो, लेकिन एक दिन जब यहाँ आए तो यहाँ तो समय ही कुछ और था। माशाल्लाह इतने बच्चे, और उसकी मेन वजह ये भी है कि बच्चे अपने मतलब हम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे जो स्टाफ भी है बहुत केयरिंग और फ्रेंडली। और ये देखिए माशाल्लाह सुबह सुबह का ही वक्त है, और हमारे जो रूम की बालकनी है वहाँ से आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं मियामी सिटी, सामने पूरा नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू है। अच्छा, एक और अहम बात है कि ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि अगर क्रूज़ पे तबीयत ख़राब हो जाए तब आपने क्या करना है। तो उसका मैं यही आपको कहूँगी कि आप अपने साथ बेसिक मेडिसिन ज़रूर पैक करके रखें, क्योंकि पानी के बीचों बीच अगर किसी की भी तबीयत अप एंड डाउन होगी तो वैसे तो इनके पास पूरा एमरजेंसी एरिया है, बट स्टिल आप अपने साथ ज़रूर मेडिसिन रखें, जो कि मेरे साथ भी हुआ। मेरी बहामास से वापस आने के बाद ना रात में तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में बहुत दर्द था, और बस ऐसा ही लग रहा था कि अब नेक्स्ट डे हम मियामी नहीं घूम सकेंगे, और जो एक्सकर्जन भी बुक की हुई थी वो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन लकीली दवाइयाँ सारी हमारे पास थी, लाइक बेसिक मैंने बोला है ना, बुखार की, ज़ुकाम की, खांसी की, वो सब थी, और मुझे एक्चुअली थोड़ा फीवर भी हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेडिसिन थी हमारे पास बेसिक, तो ये कि वो बस मैंने दवाई खाई और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है वो ठीक हो गई, वरना यही लग रहा था कि मियामी सिटी तो अब नहीं घूम पाएंगे। और जो एक्सकर्जन बुक थी ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस, जिसमें कि अभी हम बैठ चुके हैं, डबल डेकर बस है ये, तो ज़ाहिर है इसके टिकट्स बाए हुए थे तो लग रहा था कि सब वेस्ट हो गया। तो चलें ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस बस का बड़ी मज़े की एक चीज़ है कि ये आपको डिफरेंट जो इसके स्टॉप हैं ये आपको उतारती जाएगी, आप उतरें, घूमें फिरें, खाएं, शॉपिंग करें, जो आपका दिल करता है जिस एरिया में ये आपको उतारेगी। मुख्तलिफ इसके कुछ मखसूस स्टॉप हैं, लेकिन वो पूरे सिटी को कवर करते हैं, इसकी लाइक सारी मेन जगह। तो बस हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उतरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, और ये बस साथ साथ ही पूरे शहर का आपको टूर भी करा देगी। तो 7-8 ये बसें हैं, मतलब एक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जिस पे आप बैठे अब दोबारा उसी का आपने इंतज़ार करते रहना है। आप अपनी चीज़ों से डन हो गए तो दूसरी बस जो है वो गुजरेगी वहाँ से, आप उस पर बैठें, तो इसीलिए इसका नाम है हॉप एंड हॉप ऑफ। एक चीज़ तो हमें यहीं आगे पता चली कि मियामी को क्रूज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूज़ के जो पैसेंजर हैं ना वो यहीं से इन एंड आउट होते हैं। और ये भी नहीं पता था कि मियामी को मैजिक सिटी कहते हैं, और वाकई ये मैजिकल सही है, मतलब इतना खूबसूरत है ये, और बहुत ही इवन है हर चीज़, मतलब कोई चीज़ ऐसी लग नहीं रही कि ये क्या बेकार सा बना हुआ है, लाइक ओवरऑल ये सिटी की अपनी ही वाइब्स हैं। और ये देखें अभी हम लोग सड़क के उस पार थे, बल्कि सड़क नहीं तो बीच में पानी है, खैर ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ना यही हमारा क्रूज़ है, ये तो बस छोड़ ही दें, असल मैजिकल तो ये जो हमारा क्रूज़ का टूर है ना पूरा, ये जो ट्रिप है वो है मैजिकल, जिसको लफ्ज़ों में बयान किया नहीं जा सकता, यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो मैं आपको दोबारा यही कहूँगी कि अगर लाइफ में आपको कभी मौका मिले, आपका बजट बने, तो आप ज़रूर क्रूज़ कीजिए।
लोग बस से उतर गए, ये हमने पहला स्टॉप किया है और यहाँ थोड़ा स्ट्रीट से नीचे जाए ना तो सामने एक बहुत खूबसूरत बीच भी है, लेकिन उससे पहले हमने कहा ये एक बहुत बड़ा सुवीनियर स्टोर है तो थोड़ी शॉपिंग कर लें। तो जहाँ हम उतरे थे उसी जगह से हम दोबारा बस में बैठ गए हैं, ये वो बस नहीं है, डिफरेंट है। और हर बार आपको ज़रूरी नहीं जहाँ पहले बैठे थे आपको वहीं सीट मिले, जहाँ जगह मिले आप वहाँ बैठ जाते हो। एनीवेज हम दोबारा से ऊपर फ्लोर पे ही बैठे हैं ताकि आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट सिटी इतना खूबसूरत है, ये अपने आप में एक आर्ट भी है, मतलब यहाँ का जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स वगैरह का वो सब देखने के लायक है। पहले ही सेट नहीं हो रहा था सेल्फी स्टिक पे और ये देखें ये गिर गया मेरा फ़ोन, और बहुत मुश्किलों से बचत हुई है, मतलब नीचे गिर जाता ना तो बस गया था मेरा आईफोन। तो इस टूटी हुई सेल्फी स्टिक से दोबारा तो मैंने चांस नहीं लिया और इन्हीं को मैंने कहा कि थोड़ी बहुत आप ही बना दें वीडियो और बस इतना ही काफ़ी है। खैर अभी थोड़ी ही देर में दूसरा स्टॉप आ जाएगा, हम वहाँ उतरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये सेकंड स्टॉप जो है वो हमने यहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत बीच का ये एक पॉइंट है, बीचेस तो यहाँ पे इतने हैं ना कि हर थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, तो वो अब आप पे है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अच्छी खासी गर्मी है, आपको ऐसे वीडियो में तो नहीं समझ आएगा, बहरहाल ये दोपहर का ही 12:01 बज रहा है अभी, और बीचेस वाकई यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं और मियामी अपने बीचेस की वजह से फेमस भी बहुत हैं। अच्छा यहाँ पे आज जो हमारा टोटल स्टे है वो 12 घंटे का है और ये जो बस टूर है वो 5.5 घंटे का है, और प्लस इसमें आपको 20 से ज़्यादा जगहों पे ये वही स्टॉप करते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई जगह आपको नहीं समझ आ रही आप ना उतरें, बस चलती रहेगी रुकती रहेगी, आपका जहाँ दिल करे आप उतरें और जहाँ दिल करे आप ना उतरें। बाकी एक 3-4 जगह हमने और भी स्टॉप किया था, वीडियो नहीं बनाई। अब वही बात है, इंसान क्या क्या वीडियो बनाए, इंसान ने ख़ुद भी कुछ इन्जॉय करना होता है। और बस अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट स्टॉप की तरफ, तो लास्ट स्टॉप पहला स्टॉप भी है, तो यहाँ हम लोग उतर चुके हैं। और यहाँ एक्चुअली मैं सबसे पहले ही उतरना चाह रही थी, लेकिन फिर मुझे इन्होंने बता दिया कि आखिर पर भी बस हमको यहीं उतारेगी तो तुम लास्ट में इसको रख लो। ये देखो स्टार्स हैं यहाँ पर, और फिर मुझे बाद में समझ आ गई कि इन्होंने क्यों बोला लास्ट में रखो, क्योंकि ये शॉपिंग की जगह है। आपको पता है शॉपिंग की जगह लेडीज़ को नज़र आ जाए तो चाहे वो कुछ ख़रीदे ना, लेकिन वो रुक रुक के चीज़ें ज़रूर देखती हैं कि ज़रा एक मिनट बस मैं ये देख लूँ, बस मैं ये देख लूँ, और उसमें फिर ज़ाहिर है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास आराम से 2-2.5 घंटे हैं इस पूरी मार्केट को मॉल को एक्सप्लोर करने की, तो चलें चलते हैं। इधर ज्वेलरी का बहुत रिवाज है, तो अभी यहाँ से हम लेंगे आइसक्रीम क्योंकि बच्चे भी मांग रहे हैं थोड़ी, हमें भी भूख लगी हुई है, तो फिर आइसक्रीम भी खाएंगे और साथ साथ घूम भी। ओके ओके, इसको ये दिला और इसको ओरियो दिला। ओके सो 2 स्मॉल कप, 1 इज ओरियो, किरत को कौन सा चाहिए? Another one, this kinder joy. किरत आपको ओरियो चाहिए? Present. Present.
अच्छा ये जो बाजार है ना, मार्केट मॉल से भी कनेक्ट है, मतलब अब आप इसको जो भी कह लें, बहरहाल बहुत बड़ा ये शॉपिंग का एरिया है और यहाँ पे मतलब क्या कुछ नहीं है। ये देख लें आप अभी यहाँ पे, ये टर्किश शॉप थी जहाँ से आपको टर्की की चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये एक लाइक मॉल में हम एंटर हो गए हैं, तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो यहाँ पे ये था कि फिर, क्योंकि आपको पता है जब आप वेकेशन पे होते हो ना, आप फारिग होते हो, तो जो जो भी चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो फिर मैंने यहीं से शॉपिंग कर ली। कुछ कपड़े भी बाय कर लिए क्योंकि टाइम था ना, फारिग थे, तो मैंने कहा चलो कनाडा में तो टाइम इतना मिलता नहीं, यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। और ये लास्ट में बस मैंने अपने शूज़ बाय किए नाइकी के, और बस यहाँ से अब सीधा हम वापस बस में बैठेंगे और बस हमें वापस क्रूज़ के टर्मिनल पर उतार देगी। बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया, और द बेस्ट थिंग इज़ कि इसी पूरे ट्रिप में देखें हमने मियामी सिटी भी देख लिया, वरना आपको पता है स्पेशली ऑल द वे लोग मियामी देखने आते हैं। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमने नहीं की, ज़ाहिर है कोई हमने लाइक स्टे भी नहीं किया, बट फिर भी एक होता है ना कि आप पूरा शहर का ही एटलीस्ट टूर कर लो, तो आपको पता होता है हाँ भाई वो सिटी ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा हो गया, और ये वो बस जा रही है अब, इसमें और दूसरे टूरिस्ट बैठे हुए हैं, और अब से कुछ देर पहले इसमें हम भी थे और यहीं से एक्चुअली गुजरी भी थी। मैंने आपको बोला था ना कि देखिए सामने हमें क्रूज़ नज़र आ रहा है हमारा, तो बस ये वही साइड है, और हम लोग बस टॉप फ्लोर पर आए हुए क्रूज़ के, और बस क्रूज़ अब निकल रहा है। अब फर्दर दो दिन ये चलेगा पानी पर, और इंशाल्लाह हम वापस पहुँच जाएँगे न्यूयॉर्क, और कल इंशाल्लाह हम लोग क्रूज़ पर ही अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे बहुत स्पेशल तरीके में। तो नेक्स्ट वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। अब हम बच्चों को यहाँ थोड़ी देर में लेके आएंगे स्विमिंग के लिए, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और स्विमिंग पूल में तो ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने खाने की फेवरेट जगह पे, लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट करें आज कि यहाँ कोई भी अभी आम पब्लिक नहीं आई। उसकी एक वजह है कि यहाँ के जो हेड शेफ़ है ना, वो ही इज़ फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, और पता है उन्होंने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और लाइक वो मेरी वीडियोज़ भी वॉच करते हैं। हुमा इन द किचन चैनल की मैं बात कर रही हूँ, तो देखें उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अब बनता है ना कि आप लोग भी मुझे कर लें सब्सक्राइब। और बस उन्होंने फिर कहा कि आप आइए और पूरा लाइक टूर कीजिए, और जितना ये बफे है आप उसकी आराम से वीडियो बनाएं, मेन्यू देखें, बहुत अच्छे से मिले, बहुत रिस्पेक्ट दी। तो आइए मेरे साथ जल्दी से, मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। ये था पनीर मसाला, चिकन टिक्का मसाला है, इंडियन फ्लैट ब्रेड है यानी कि रोटी, ये अचार, मैंगो चटनी, रायता और मज़ीद चीज़ें हैं, ऑलिव्स सैलड वग़ैरह की, और क्या है ये एशियन साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज़ रेडी है, बस आपने उनको कहना है कि हमें यू नो सूप बना दें, पास्ता बना दें, जस्ट नेम इट, आप उनको जो कहते हैं ना वो आपको बना के देते हैं। सारे सब्जियों के ऑप्शंस हैं, और क्या है यहाँ पर कुछ ये पोटैटो का रखा हुआ है, इसके अलावा चीज़ है, ये डिफरेंट तरह की चीज़ रखी हुई है यहाँ पे, और सावर क्रीम वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि मतलब इतना तो इंसान खा भी नहीं सकता, एक्चुअली आप कंफ्यूज ही हो जाते हो, लेकिन उन्होंने आपके लिए जो है ना दुनिया भर की वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है। और तो और ये देखें पापड़ भी रखा हुआ है। तो आज ये था कि ज़ाहिर लोग आ जाते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता, और हर तरफ लोग फैल जाते हैं, आप वीडियो कैसे बनाओ, तो आज मैं आराम से बना रही हूँ।
अच्छा ये ग्रिल्ड फिश है, फिश एवरी डे होती है मेन्यू में लाजमी, और ये साइड है ग्लूटेन फ्री। तो अब आप ये भी देख लें कि आपको ग्लूटेन फ्री खाना भी मिलेगा। ग्रेवी रखी हुई है, साथ में मैश्ड पोटैटो भी हैं, और जगह जगह पे ये आप देख सकते हैं कि जो आपका डिनर वेयर है ना वो सब रखा हुआ ही है। अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के बेक्ड पास्ता रखे हुए हैं, और साइड में रखी हुई है स्टफ्ड पेपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ सैलड बार, और यहाँ पे ये 6 किस्म की तो सैलड ड्रेसिंग्स रखी हुई हैं, और बाकी ऑयल विनेगर अपनी जगह। टूना है, और ये सारी दुनिया भर की सब्जियाँ हैं, और चिक पीस वगैरह, और क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पे अपना ख़ुद सैलड या तो क्रिएट कर लें, और ये देखें इतनी अच्छा ना सिर्फ फूड है बल्कि बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि आपको पता है खाना सिर्फ जायके में नहीं बल्कि दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पूरी प्रेजेंटेशन के साथ। यहाँ पे ये इन्होंने सीज़र सैलड बिल्कुल रेडी किया हुआ है, ताज़ा फल है, जस्ट लुक एट दिस, सेब है, कीवी है, और इस साइड पे क्या है वो भी देख लेते हैं। ये आई थिंक दिल्ली की साइड है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ वगैरह रखी हुई है। तो अभी जो मैंने आपको सैलड दिखाया ना वो अपनी जगह है। अब यहाँ देख लें दो तरह के ऑलिव्स हैं, ये पता नहीं क्या क्या है, ये आलू हैं, ये तो सब्जियाँ हैं। अब यहाँ पे ये है टोमेटो मोज़रेला विद पेस्टो, ये भी एक सैलड है। आप पढ़ते जाएं नाम, बस नाम पढ़ते जाएं देखते जाएं। तो यहाँ ये कप्स में इन्होंने रेडी रखा हुआ है, तो देख लीजिए आप कितने ऑप्शन हैं। अब ये मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको आज सिर्फ एक दिन का मेन्यू दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे टोटली चेंज होगा मेन्यू, मतलब मेन कोर्स तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लेंटल सूप है, मिन्स्ट्रानी सूप भी रखा हुआ है, बट इट्स नॉट हलाल तो हम यहाँ नहीं खा सकते। वो देखो क्या हो रहा है। शाम की चाय मैंने पी ली है, बस अभी कुछ ही देर में हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखें हमारे क्रूज़ के बिल्कुल पीछे डिज्नी का क्रूज़ भी आ रहा है, और क्रूज़ तो यहाँ ऐसे हैं जैसे बसें चल रही हो, इतने क्रूज़ हैं यहाँ पर। हर दिन जब रेस्टोरेंट ओपन होता है, मतलब तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, और बीच में बस 2 घंटे का ही ब्रेक होता है, वो भी सिर्फ खाने का, मतलब बाकी सारे कोल्ड ड्रिंक्स और जो चाय कॉफ़ी वगैरह वो सब आपको मिलता रहता है, कभी भी आइए और आप ले सकते हैं। तो ये इसी तरह आपका वेलकम करते हैं, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं बल्कि बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं। ये खाना हम लोग अपना ले चुके हैं, ये आज का हमारा डिनर है, और आज का डिनर बहुत हसीन है, बहुत स्पेशल है। उसका रीज़न क्या है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सामने है मियामी की खूबसूरत स्काईलाइन, और ये व्यू तकरीबन 10-15 मिनट हमारे सामने ही रहने वाला है, और साथ में हम इंजॉय करेंगे डिनर। खाना हमने खा लिया है, और मैंने अपना डिज़र्ट भी खा लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बस बीच में जैसे ही टाइम मिलता है ना, स्पेशली खाने के टाइम पे, तो मैं लाजमी अम्मी से, अपने घर वालों से साथ साथ बात भी कर लेती हूँ। तो आप समझ लें कि इस पूरे सफ़र में वो मेरे साथ साथ ही हैं। तो आज का ये था व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि उसमें आप देखेंगे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की स्पेशल सेलिब्रेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।